hello everyone my name is vishal i have secured fourth rank in the 64th bpsc today i'll try to discuss focusing on the upcoming mains since you have around 6 to 7 weeks 45 days i hope so why it is that in mains we know that they are about to ask few set of questions only बट स्टिल समीपल सक्सीड समोंट ऐसा क्यों होता है कि मेस में आपको पता रहता है खास करके जीएस वन में जो सेक्शन अगर आप देखे एक्सक्लूडिंग द करंट अफेयर तो मैक्सिम चीजें पता होती हैं कि हाँ चलो इन्हीं टॉपिक्स आएगा स्टैटिक्स आना ही है दो क्वेश्चन और पार्ट वन में रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आएगा ही आएगा एंड देर आर से उनमें अगर आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओगे तो हो जाता है फिर भी क्यों हम लोग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते यू डोंट गेट अ इंटरव्यू कॉल और इवन इफ यू गेट अ इंटरव्यू कॉल यू डोंट गेट गुड मार्क्स सो दैट आपको आपका मन चाह सर्विस मिले तो ये मेंस पे ही फोकस रहेगा हमारा एंड आई ट्राई टू टेल यू विद माय एक्सपीरियंस कि क्या आपको अभी इस लास्ट डेढ़ महीने में, में करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जी कैसे आपको समय नहीं वेस्ट करना है so we'll start with gs1 first okay section wise we'll do gs1 now gs1 has three sections as you all know section 1 history section 2 if you see is of Current affairs, national and international importance. And section three, the most feared one, you can say statics or maths, whatever you wish. So part by part we'll look in ease of these sections, okay? And we'll see ki come some because you don't have much time, honestly speaking. If you see the syllabus of BPSC. जनरल स्टडीज पेपर वन थ्री थिंग्स रिटर्न मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर नो सच स्म हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर ओके सो इंडियन कल्चर में कुछ भी पूछ सकते वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली अगर आप देखे तो वी शुड स्टडी फ्रॉम सेवनटीन फिफ्टी सेवन आफ्टर प्लासी एंड फ्यू पीपल स्टडी फ्रॉम एटीन फिफ्टी सेवन इट इज अपू यू करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यही परेशान करता है लोगों को ओके एंड देन वी हैव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स दिस वन ये भी बहुत लोगों को परेशान करता है सो ईच सेक्शन वाइज हम लोग देखेंगे कि हर सेक्शन को कैसे डील करना चाहिए इन द लास्ट आवर ओके सो दैट अभी का जो टाइम है इसमें आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज योर वेस्ट ऑफ टाइम सो हाउ टू डू सिलेबस तो आपको पता चल गया तीन सेंटेंसेस में उन्होंने बता दिया कि जीएस वन में यही पूछेंगे नो वॉट टू डू सो द बेस्ट थिंग विच आई बिलीव इज पास्ट ईयर पेपर आप देख लो ठीक है so for past year papers first we'll see history and art and culture then current affairs and then statistics तो so अगर आप देखो कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे रैंडमली जॉट डाउन करूंगा like 56 से 69 वाले बीपीएससी में जीएस वन में they have asked about revolt of 1857 1857, favorite topic. Then, after that, Santhal uprising, almost same time. I am just writing the topics. After that, art and culture. Okay. Then Champaran Tagore, and of course, the last one Nehru. This is of फिफ्टी सिक्स से फिफ्टी नाइन ठीक है अभी हम लोग देखते हैं कि साठ से बासठ वाले में इन्होंने क्या पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट ओके Then you have Western education. Okay. Let's just write education. After that, their most favorite one, Mauryan. Mauryan art. Okay. Then Gandhi. जस्ट राइटिंग द थीम्स सो दैट वी कैन प्लान ठीक है थीम पता रहेगा तभी आप प्लान करोगे नहीं तो आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे अगेन दे है टैगोर सी वंस मोर टैगोर देन अगेन नेहरू सी आफ्टर दैट सिक्सटी थर्ड सिक्सटी थर्ड में इन्होंने क्या पूछा था yeah. अगेन गांधी सिक्सटी थर्ड अगेन देव स्टार्टेड फ्रॉम गांधी अगेन एडुकेशन सी 1857 uprising, special relevance to Bihar, contribution of Bihar. Then the Sandhal. After that, Champaran. And the last one, Patna kalam. Moving on to sixty fourth, my year. evolution of Indian nationalism since the nineteenth late 19th century you can say formation of Congress or something so इन्होंने पूरा nationalism का picture पूछा है आपसे nationalism after that Champaran again

Maurian art, okay. And the last one, short notes: Nehru, caste census, national movement. Okay. National movement. Now we'll see sixty fifth. Again, in sixty fifth, you have eighteen fifty seven Western education. Okay. After that, Kisan movement. Then JP Narayan and Ram Manohar Loya, social and economic ideas. Okay. Then we have the features of Pal art and architecture and its relationship with Buddhism. Okay. So we have Pal art. And the last one, last one is Dr. Rajendra Prashad Gandhiji and Dalit movement. Okay. So again the, And the last one is sixty-sixth, the recent one. Yeah. Again they've started with Santhal. Okay. Santhal. Then they've asked Birsa.

And then short notes on Gandhiji's views on Satyagraha. Again, you have JP Narayan and the Quit India movement, and Bose in the INA. So, three personalities. यू हैव दिस रेफर करने के लिए आप इससे ज्यादा भी रेफर कर सकते हो ठीक है वी टुक दिस वन ठीक है अभी आपको एक पैटर्न दिख रहा है इसमें यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल्सो बट माइंड रेट इज नॉट दैट गुड सो अभी आप एक पैटर्न देखोगे कि इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको पता होगी देर इज नथिंग इन दिस बहुत रेयरली कुछ ऐसा होगा सपोज एक ये टॉपिक है इंडेंचर लेबर में ये बोल सकता हूँ कि लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें आप कुछ नहीं लिख सको कि माइग्रेशन क्यों हुआ था वहां पे अपना डायस्पोरा भी क्यों है ठीक है अब इसमें क्या आपको चूज करना होता है तीन क्वेश्चन तो चलो ठीक है एक टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ गया समथिंग जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है और आप थर्टी सिक्स या थर्टी एट मार्क्स का नहीं लिख पाओगे बट स्टिल यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं इसमें से तीन टॉपिक सॉप कर लोगे जैसे मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था सबसे पहले मैंने मॉरियन लिखा था बिकॉज दिस वॉज माई बेस्ट वन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था देन आई देना चंपारण एंड ट्राइबल ये तीन चीजें मैंने लिखी थी ठीक है आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है आप लिख सकते हो बट मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इसमें ठीक ठाक स्कोर आएगा वन 196 समथिंग था सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट ऐसी कुछ था उस टाइम सो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन आपका आंसर शीट वो चेक कर रहे हैं सो दे कीप ऑन चेकिंग उनके पास आंसर शीट आते रहते हैं हाउट इज दैट यू विल गेन मार्क्स सपोज वो दस बारह कॉपी चेक कर रहे होंगे एंड सपोज आपकी कॉपी अचानक सही सो यू है आपको अलग होना होगा अब डिफरेंट दो तरीके से होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आपने एकदम खराब आंसर लिख दिया ठीक है इट शुड बी की आपका जो आंसर शीट है उसको खोलते ही एग्जामिनर अगर स्ट्रेस में भी हो या सपोज एवरेज आंसर पढ़ रहे हो ही शुड बी वेरी हैप्पी

ठीक है इसमें कोई मेंस में कट ऑफ मार्क्स नहीं रहता कि इतने से नीचे आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इट इज ऑल दैट कि बाकी लोग जो स्कोर ला रहे हैं आपको उनसे ज्यादा लाना है तो आप कैसे लाओगे टॉपिक्स आपको पता है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सिक्सटी का जब पेपर होगा इसमें से ही कोई तीन टॉपिक्स आएगा ठीक है आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट इसमें से ही कोई तीन टॉपिक्स आएंगे एंड स्टिल कुछ लोग सेलेक्ट होंगे कुछ लोग नहीं होंगे इंटरव्यू कॉल आएगा नहीं आएगा ठीक है कुछ लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे कुछ लोगों को नहीं आएगा तो ऐसा क्यों एंड इन दिस लास्ट फोर्टी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डेज आई गेस ठीक है ऐसा क्या करें कि आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए और क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए तो उस पर मैं आपको बता दू कि बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत भाग्य एंड सोर्सेज से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे ठीक है मेनी आई हैव सीन पीपल की ये हिस्ट्री uh, के लिए बहुत अच्छी कोचिंग है करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी है मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए कौन पढ़ता है कोचिंग आप बताइए दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी दो क्वेश्चन आते हैं क्लास टेंथ के लेवल के ठीक है अप्रोक्सिमेटली ऑफ द लेवल ऑफ सी बी एस ई और वट एवर स्टेट बोर्ड क्लास इनफैक्ट मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन रहते हैं क्लास टेंथ में इससे बहुत ज्यादा टफ तो अगर आप उसके लिए आप कोचिंग ले रहे हैं देन नो बडी कैन हेल्प यू आपका वो सबसे सॉलिड पार्ट है सेवेंटी टू में से सिक्सटी एट सेवेंटी तो आपको आ जाना चाहिए इतना अच्छे से करो एंड ये स्टैटिक है इसमें क्या ही वेरिएशन देंगे वो लोग आप थीम्स पूरा प्रिपेयर करके जाओ सपोज आप मॉरियन का एक थीम आपने उठा लिया और मॉरियन पे 360 डिग्री आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है अब मॉरियन आर्ट में वो कुछ भी पूछे आपसे बुद्धिज्म से, से रिलेटेड पूछे बिहार पे इसका क्या इफेक्ट हुआ बिहार के आर्ट एंड कल्चर पे अभी क्या रेलिवेंस है उस टाइम क्या था आप अगर पूरा थीम करके जाओगे ना किसी भी तरह घुमा के पूछे आप जवाब दे दोगे अभी क्या होता है मॉरियन में सपोज बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपने बुद्धिज्म से इसका रिलेशन इस्टिश किया ही नहीं था तो आप बस जो मॉरियन में पढ़ के आए हो आप वैसे कॉपी पेस्ट करके आ जाओगे और आप कहोगे मैंने तो छह पेजेस लिखे थे पेजेस आई रोट एंड फिर भी मार्क्स नहीं आया तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज क्वेश्चन का थीम हमको पता रहता है आप किसी से भी पूछोगे बीपीएससी में वो कहेंगे हाँ मॉरियन कर लो ठीक है बाल आर्ट कर लो पटना कलम कर लो और मैक्स टू तो मैक्स अगर इच्छा हो तो मधुबनी भी कर लो सबको पता है मॉरियन आता है आंसर सब लिखते हैं किसी को ज्यादा मार्क्स आता है किसी को कम क्यों क्योंकि आपको बस पता है कि मॉरियन पढ़ के जाना है वहां पर उन्होंने क्या पूछा है मौरियन से रिलेटेड ये आप नहीं देखते हो आपने जो पढ़ा है वही जाके लिख देते हो बस सिंपल एंड एग्जामिनर को लगता है कि ठीक है चलो आप अपना नॉलेज आप उसको दिखा रहे हो कि सर देखो मैंने इतना पढ़ा है आई हैव रिटन एवरीथिंग बट इज इट रिलेवेंट टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है आप सपोज आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो ठीक है गांधी जी के अलग व्यूज थे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड विथ एवरीथिंग सेल्फ रिलायंस अभी सोशल और इकोनॉमिकल पूछ रहा है आप पॉलिटिकल मूवमेंट लेके आ जाओगे क्योंकि आपने वही पढ़ा है ठीक है एंड आपको लगेगा कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत सोशल और इकोनॉमिकल हम लोग लिख देंगे एंड मैक्सिमम टाइम हम लोग पॉलिटिकल तो वो जो एग्जाम में पेपर आपके चेक कर रहे हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल उनको पता है कि आप ब्लफ कर रहे हो सो so, ऑनेस्टली आपको आंसर लिखना है एंड ऑलवेज चूज द बेस्ट थ्री टॉपिक्स ठीक है जिसमें आपके पास फॉर्डर हो ये नहीं कि ये मैं लिखूंगा और या लिखूंगी तो मुझे कम मार्क्स आएगा क्योंकि ये ऑड्स और टॉपिक है डजेंट मैटर अगर आपके पास बहुत अच्छा फॉर्डर है यू हैव इनफ डेटा बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन uh, है उसके बारे में तो आप लिखिए क्योंकि लंबे आंसर्स लिखने होते हैं यू हैव टू राइट जस्ट थ्री आंसर्स ओके एंड थ्री सेक्शंस तो एक घंटे में आपको सिर्फ तीन आंसर एक घंटे भी नहीं एक घंटे से ज्यादा लगता है लिखने में बिकॉज मैथ्स में मुझे नहीं लगता कि एक घंटा लगेगा मैथ्स मैक्सिमम यू हैव टू गिव गिराउंड थर्टी फाइव टू थर्टी थर्टी मिनट्स में मैं बहुत बोल रहा हूं ठीक है ढाई घंटे में आपको छह आंसर्स लिखने हैं तीन सेक्शन वन के तीन सेक्शन टू के जस्ट इमेजिन कि आपके पास इतना टाइम है एंड मेंस में कितना भी टाइम हो, आप लिखते बहुत तेज हो सो so, आपको बहुत ज्यादा लिखना होगा ठीक है एंड लिखने के साथ साथ सबसे बड़ा जो मैंने वीक पॉइंट देखा है कि लोग डायग्राम्स यूज नहीं करते जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूं एटीन का रिवोल्ट आप मर्जी चाहे लिख लो पांच पेज छह पेज दस पेज ठीक है बहुत ज्यादा आप एग्जामिनर को प्लीज नहीं कर पाएंगे एंड सपोज आपने एक मैप बना दिया इंडिया का आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि कैसे मार्क्स आपको लाना है आपने इंडिया का एक मैप बना दिया एंड आपने दिखाया कि यहां से स्प्रेड हुआ था ईस्टर्न इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ कैसे गया

बिहार का मैप बना दोगे ठीक है एंड चंपारण में आप दिखा दोगे कहां कहां से कहां, कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहा था गांधी जी का मूवमेंट कैसे हो रहा था इसके लिए आपको कहीं भी रेडीमेड मटेरियल नहीं मिलेगा ठीक है कोई आपको स्पून फिट नहीं करने वाला है कोचिंग्स की तरह कि आएगा ऐसा तो ऐसा ऐसा लिख देना दे जस्ट डू द बेयर मिनिमम जितना होता है बाकी का मेहनत आपको खुद करना है यू हैव टू मेंटर योर सेफ पर्सनली ठीक है एंड वन मोर थिंग दैट इन दिस एस आर आई एस दे है व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ मेंटरिंग ठीक है तो यू कैन ज्वाइन देअ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको रिलेटेड मेटेरियल मिल जाएगा ठीक है सम गाइडेंस टॉपर्स का एक्सपीरियंस दे हैव टॉपर्स नोट ऑल्सो सो सब कुछ वहां शेयर रहेगा यू कैन टेक अ क्लू फ्रॉम देअर बट मेहनत आपको खुद करना है एवरी थिंग अगर आप सोचे कि इट विल बी स्पून फेड एंड ऑल तो वो मुश्किल है नो अगर आप, आप आर्ट एंड कल्चर में देखिये तो आपको कुछ टॉपिक्स कॉमन लग रहा है जैसे पटना कलम हो गया मॉरियन हो गया पाल हो गया एंड वन मोर मैं हमेशा बोलता हूं कि मधुबनी भी कर लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिहार ठीक है अगर पूछ दिया तो क्या करोगे दैट यू हैवीन फिफ्टी सेवन एंड संथाल ये दोनों schemes, मतलब सॉरी टॉपिक जो है ऑल्टरनेटली ये लोग पूछ रहे हैं तो एटीन फिफ्टी सेवन वाला आप बहुत अच्छे से कर लीजिए संथाल मूवमेंट ऑल्सो टेक एज मेनी सोर्सेज एज यू वॉन्ट बट डोंट गिव टू मच टाइम ऑन सोर्स ठीक है दो चार जगह से आपको जहां से अच्छा लगे उठाइए और उसको कंपाइल करिए और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले क्या होता है बहुत सारा मेटेरियल रहता है हमारे पास हम रिवाइज नहीं कर पाते नॉलेज सबके पास है आपको क्या लगता है कि जो टॉप कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके नॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी को सब कुछ पता है किसी को कुछ पता सबको लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है बट जितना पता है उसी को अगर आप तरीके से एक्सप्रेस कर दे तो आपको मार्क्स मिलता है एंड बाकी लोग नहीं कर पाते दैट इज द डिफरेंस हर एक टॉपिक जो आपको जीएस वन सेक्शन वन में है उसपे एक एफ साइज शीट में थ्री सिक्सटी डिग्री कवरेज का आपका खुद का मेहनत नोट्स होना चाहिए मेहनत किया हुआ उसमें आपका एनालिसिस होना चाहिए ठीक है और हर किसी टॉपिक में खास करके रिलेटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट बिहार का एक टच होना चाहिए कि बिहार में उस समय क्या चल रहा था सपोज आर आस्किंग क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया में में बिहार क्या चल रहा था सिविल यहां पे नहीं है पूछ सकते हैं नॉन कोऑपरेशन पूछ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जब कांग्रेस हुई थी थी तो बिहार की क्या स्थिति स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल बिहार में क्या चल रहा था वेस्टर्न तो एडुकेशन बिहार में क्या चल रहा था ठीक है और भी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे प्रेस से रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया गैजेट से लेके फ्रीडम मूवमेंट तक बिहार में क्या चल रहा था वहां पर प्रेस में क्या क्या हो रहा था मैगजीन्स न्यूज पेपर्स जर्नल जो भी है ठीक है रिवोल्यूशनरी टेररिज्म बिहार में कोई था क्या ऐसा ठीक है आफ्टर दैट सूरत स्प्लिट के टाइम पे बिहार में क्या हो रहा था ठीक है कांग्रेस के साथ जब मर्जर हुआ 1916 में तब क्या हो रहा था ऑल दिस थिंग्स इंडिया में जो भी हो रहा था उस टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट में उस टाइम पे बिहार पे क्या हो रहा था ये आपके नोट्स में होना चाहिए आप अगर सपोज आंसर लिख रहे हो रिलेटेड टू क्विट इंडिया या सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोपरेशन ठीक है कुछ भी आपको आंसर में एक बिहार का टच देना होगा क्योंकि आप स्टेट सर्विस लिख रहे हैं ठीक है एंड द एग्जामिन विल बी प्लीज की आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है ये बताने के लिए कि सर देखिए इंडिया में ऐसा ऐसा हो रहा था ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी बिहार में भी ऐसा चल रहा था सो दिस इज हाउ बिहार वॉज रिलेटेड टू वट एवर क्वेश्चन यू आर आस्किंग ठीक है ये हो गया हमारा जीएस वन एंड ऑल दिस टॉपिक्स आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज्यादा कहीं परेशान होना होगा ठीक है यू कैन रेफर टू वट एवर देर मेनी ग्रुप्स इन टेलीग्राम एंड ऑल दैट तो आप कहीं भी रेफर कर सकते हो बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन कलेक्टिंग रिसोर्सिस यू डोंट हैव टू बी अ रिसोर्स कलेक्टर ठीक है डिसेंट एनफ कर लीजिए और एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसी होना चाहिए जैसे मेरे साथ क्या था मैं एग्जाम में गया लेबर पे भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता था पर एनफ आता था इतना मैं बताऊंगा क्योंकि बाकी लोगों से मैंने पूछा था उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इस पर भी मैंने थोड़ा बहुत किया था एंड मेरे साथ ऐसा था कि मैं कौन सा करूं जो मुझे बेटर मार्क्स आए ऑल द द टॉपिक्स आई न्यू ऑल टॉपिक्स बट आई वॉज सो कॉन्फिडेंट देयर कि ये तीन टॉपिक्स ही मुझे करना है चंपारण ट्राइबल एंड मौर्य बिकॉज आई गॉट अ फीलिंग कि ये आंसर्स मैंने पहले लिख रखे थे आई हैड रिटन देयर अराउंड तीन बार तो मैंने लिखा था ठीक है खुद से क्योंकि मुझे लग रहा था आई हेड एंटिसिपेटेड चंपारण और मौर्य तो आएगा ही आएगा बिकॉज दे डिड नॉट आस्क यहां पे पूछा नहीं था मौर्य एक तो साल पहले पूछा था माई लक एंड यू कैन ऑल्सो एंटिसिपेट इफ नॉट राइट ऑल द एंटिस एटलीस्ट टू टाइम्स काफी टाइम है आपके पास ठीक है ट्वेंटी फोर आवर्स बहुत होता है सो एक सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा ठीक है हाउ टू मेक नोट्स एंड ऑल यू विल बी गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम दैट ओनली आई विल ट्राई टू शेयर माई नोट्स एंड माई एक्सपीरियंस हाउ टू मेक नोट्स एंड ऑल दैट तो वो मैं शेयर करता रहूंगा बट नाउ इट इज द टाइम कि आप लोगों का एक्सेलरेट करना होगा ये नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं कहीं टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर लिया है और टेस्ट सीरीज जाते हैं टेस्ट देते हैं फिर उसका रिव्यू ले रहे नहीं टेस्ट आप दो मना नहीं है बट खुद से मेहनत कर लो टेस्ट नहीं भी दे रहे ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट सीरीज देने वालों का ही सिलेक्शन होता है आई नेवर गिव अ टेस्ट सीरीज ठीक है बिकॉज आई डिट है मत दो सीरीज दो बट यूज इट पॉजिटिवली ठीक है ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से हो जाएगा सिलेक्शन अल्टीमेटली उस दिन आपको आंसर लिखना है सो so, आप टेस्ट सीरीज दे के लिख पा रहे हो नहीं देख लिख पा रहे हो आप अपने आप को बेहतर जानते हैं नॉ विल मूव ऑन टू सेक्शन टू सेक्शन टू सेक्शन टू करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एवरी वन इज हैविंग प्रॉब्लम सेक्शन टू करंट अफेयर्स कहां से पढ़े सर क्या पढ़े बिहार का करंट अफेयर्स सबसे पहली बात तो बिहार का करंट अफेयर्स आता ही नहीं है इसमें मैंने कभी नहीं देखा कि सेक्शन टू में दे आर आस्किंग अबाउट बिहार नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नाउ यू सी नेशनल और इंटरनेशनल कि तो तक एग्जाम जब हो रहा है उसके एक साल पहले तक जो कोई एक इश्यू है और वो एक ही दिन पेपर में कवर हो रहा है या एक ही हफ्ते इट गेट्स कवर्ड ओवर नंबर ऑफ डेज सात दिन दस दिन पंद्रह दिन कभी कभी तो एक महीने तक चलता रहता है करंट अफेयर तो करंट अफेयर्स में आपको मेजर टॉपिक सेलेक्ट करना है एंड एज आई टोल्ड एक ए फोर साइज शीट लो ठीक है आप एक ए फोर साइज शीट लेंगे टॉपिक लिखेंगे आप सपोज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वट एवर ठीक है उससे रिलेटेड जितना भी डायमेंशन आप जा सकते हैं स्टैटिक करंट से रिलेटेड हिस्टोरिकल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बाकी कंट्री से आपको रिलेट करना है एंड आप लगभग मुझे लगता है कि पंद्रह से बीस टॉपिक्स अच्छे इज मोर देन देस टॉपिक्स तो मिनिमम यू कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो दैट आई ट्राई टू शेयर कि मुझे जो टॉपिक्स लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई ट्राई टू शेयर तो उसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मेरे पास है आप देख के थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हैं एंड रेफर जो लोग सेलेक्टेड है उनसे हेल्प लीजिए उनका नोट्स अवेलेबल है ठीक है यूज इंटरनेट वेरी वाइजली डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द इंटरनेट कि आपने मैंने बहुत लोगों को देखा है कि काफी ग्रुप्स ज्वाइन कर रखा है उन्होंने टेलीग्राम पे सारा दिन उनका उसी में चला जाता है कि इस पे ये आ रहा है उस उसपे वो आ रहा है आपके काम का जो है दो तीन ग्रुप से आपको मिल जाएगा एंड देन स्टार्ट वर्किंग डोंट वेट कि जब मेरे पास बहुत सही कुछ हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा नहीं ऐसा नहीं होने वाला ठीक है तो करंट अफेयर्स में आई ट्राई यूल ऑल्सो गेट द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक ऑन द व्हाट्सएप लिंक भी हुआ तो दैट इज ऑल्सो करंट अफेयर फॉर यू बट सी दिस इज नॉट प्रस की छोटी सी चीज इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर थर्टी सिक्स मार्क्स एंड यू हैव टू राइट अराउंड फोर फाइव सिक्स वट एवर पेजेस ठीक है चार पांच छह पेजेस अगर आप लिख रहे हैं तो जस्ट इमेजिन करिए कि वो करंट अफेयर में कितना फॉर्डर चाहिए आपको ठीक है कुछ मेजर मुद्दा हुआ होगा कुछ बहुत बड़ा इश्यू रहा होगा या कोई समस्या रही होगी सरकार की उसी पे पूछेंगे आपका व्यू पॉइंट पूछेंगे ये डेटा नहीं पूछेंगे आपसे कि ये बताइए कि कोविड में वैक्सीनेशन में क्या हुआ कितने वैक्सीन बने इंडिया में कितने वैक्सीन हुए पूरा ब्यौरा दीजिए बिहार में क्या हुआ नहीं आपसे व्यू पॉइंट पूछेंगे एंड फॉर व्यू पॉइंट डेटा काम नहीं आएगा डेटा से आप क्या इन्फर करते हैं अभी आप क्या इन्फर करते हैं आप खुद भी सोच सकते हैं या कहीं से मटेरियल की मदद ले सकते हैं ठीक है सो so बेटर है कि टॉपिक्स चूज चूज करिए अराउंड भी आप कर सकते हैं ठीक है इज नो एंड टू इट बट बीस पच्चीस में इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट डे आपको रिवाइज करना होता है यू के नॉट जस्ट हैंड्रेड करेंट अफेयर टॉपिक्स और लास्ट डे आप रिवाइज कर रहे हैं पॉसिबल नहीं होगा ठीक है जीएस वन में तो फिर भी चल रहा है जीएस टू में तो एवरीथिंग दे ट्राई टू रिलेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली तब वहां आप कितना रिवाइज करोगे सो द बेसिक थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर्स में थीम्स मेजर मुद्दे चुनिए ठीक है रेफर टू थ्री स्टैंडर्ड सोर्सेज जो भी आपको अच्छा लगे बट डोंट जस्ट रिलाय ऑन वन सोर्स क्योंकि कभी कभी होता है कि आप, आप खुद ही देखना एक मुद्दा सपोज आप ले लो गवर्नर ठीक है ये फेवरेट टॉपिक है गवर्नर से रिलेटेड इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में एग्जाम्स में तो इनसे रिलेटेड हो सकता है कि, कि किसी कहीं आपका जो सोर्स है वहां पे एक टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया है सपोज मेजर थ्री इश्यूज क्या होता है इनका अपॉइंटमेंट डिस्क्रिशन एंड रिमूवल यही तीन मेन इश्यूज है अगर आप देखें गवर्नर का ठीक है इस तरह से आप पढ़ना शुरू करिए ये नहीं कि गवर्नर पे कहीं आर्टिकल आ रहा है आप पढ़े जा रहे हो द हिंदू एक्सप्रेस जहां भी एंड आप नोट वैसे नहीं होगा जस्ट एक पेज लो आप ठीक है राइट गवर्नर एंड राइट ऑल द इश्यूज क्या हो रहा है राइट द वे फॉरवर्ड क्या आपको लगता है होना चाहिए ऑल्सो कोई भी अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन आर्टिकल नंबर क्या है नहीं है ठीक है एंड इन एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट यू हैव टू गिव अ टच ऑफ बिहार बिहार में गवर्नर का क्या हिस्ट्री रहा है क्या मुद्दे हुए थे क्या गवर्नर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है क्या क्वेश्चनेबल है सुप्रीम कोर्ट ने कब इंटरवीन किया हाई कोर्ट में कुछ हुआ क्या ऑल so थिंग्स एक ही एक ही पेपर में होना चाहिए ये नहीं कि लंबे आप नोट्स बना रहे हो दस बारह पेजेस के गवर्नर पे दैट विल नॉट वर्क राइट स्मॉल ठीक है इंडिकेटिव लिखिए कि पूरा सेंटेंस लिख नोट्स में जो डेटा आपको सपोज गवर्नर पे क्वेश्चन आने वाला है और आपने रिवाइज नहीं किया मैं आपको बोलू की पांच मिनट है सेंटर जाने पे आप एक बार गवर्नर देखना चाहते हो तो क्या बारह पेजेस आप पांच मिनट में पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे एंड इफ अगर एक शीट पे गवर्नर से रिलेटेड ऑल द थिंग्स थ्री सिक्सटी डिग्री है आपके पास एस आर कमीशन सरकारी जो भी है रिकमेंडेशन आप देख लोगे लाइक गवर्नर ओनली सपोज डिफेक्शन पे है ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू द टॉपिक्स डिफेक्शन पे 360 डिग्री आप प्रिपेयर करके जाओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर नहीं पूछा उन्होंने आई शुड आस दिस और वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्शन जुडिशरी जुडिशियरी से रिलेटेड क्या इश्यूज है ठीक है क्यों पेंडेंसी है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है पीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स जो बेसिक है वो टू में आ जाएगा आई एम जस्ट मिक्सिंग इट कि आपको एक करंट अफेयर्स का टच मिल जाए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है आफ्टर सेक्शन टू यू योर वेरी फेवरेट मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आई जस्ट टेल इथ मैथ स्टैटिस्टिक्स और ये इतना बड़ा मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि आई सी इट एज मैथिक मैथ अभी इसमें मैं एक अल्ट्राई की एक मैथ से रिलेटेड बना दू और उसमें सारा कुछ अभी तक का एनालिसिस कर ले हम लोग फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी नाइन साठ बासठ तिरसठ चौसठ काफी है। इनके क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चंस बनाइए लोग पूछते हैं कि सर मैथ्स कहां से करें कोई बुक बताइए कोई कोचिंग बता दीजिए ऑनलाइन कोई सोर्स बता दीजिए यूट्यूब में कोई वीडियो बता दीजिए कि किन से। वैसा कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा टफ कुछ पूछ ही नहीं रहे छह क्वेश्चन पेपर्स हैं अराउंड चार चार आते हैं चौबीस क्वेश्चन आप बना लीजिए चार या पांच समथिंग बड़े ठीक है ये बना लेंगे एनफ एफ आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां आती है देर इज अ रीजन मैथ्स में मैथ्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी लोग हैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे मैंने देखा है ठीक है एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं जो स्टिक करते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं वो लोग जो अच्छे प्लान से जाते हैं और एक और चीज मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा ये तो हम लोग हिस्ट्री में बहुत अच्छे हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो हमें हिस्ट्री करना चाहिए ये मैथ्स तो मैथ्स वालों के लिए है इंजीनियर्स के लिए वैसा कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मैथ्स में वो है कलेक्टिंग राइट क्वेश्चन कौन सा करना है सारे ही इजी रहते हैं मैं बता रहा हूं आपको ठीक है लेकिन किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा तो इस पे मैथ्स पे आई मेक अ सेपरेट वीडियो उस वीडियो के बाद आई होप सो कि आप लोगों को कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी वी विल ट्राई टू डिस्कस डिस्कस ठीक है हम करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अगर आए तो आपको करना चाहिए था सपोज आप एग्जाम में उस टाइम होते विल टेक ऑल एग्जाम क्वेश्चन कुछ नया नहीं लेंगे हम लोग ठीक है आई मेक एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर दिस ताकि ये एक सेक्शन तो आपका हो जाए तीन सेक्शन थे ना आपके वन टू थ्री ये मैथ्स है सेकेंड वाला था करंट अफेयर्स दैट ऑल्सो आई ट्राई टू पोस्ट समथिंग और पहला सेक्शन डेट ये हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया सो so, अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा ग्रे एरिया बट दिस इज मैनेजेबल आप अच्छा लिख सकते हैं नंबर यही कटेगा बाकी इन दोनों में तो नंबर नहीं कटना चाहिए एज फार एज आई बिलीव ठीक है एंड मैथ्स uh, वाला जब हो जाएगा आपका ठीक है जीएस वन जनरली लोग ज्यादा ही स्कोर लाते हैं अगर आप देखो किसी का भी सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड स्कोर इन स्कोर इन जी एस टू बिकॉज इट इज वेरी अगर आपका स्टैट्स अच्छा है आई थिंक सो इन ऑन फिंगर्स मुझे लगता है पंद्रह मिनट लगा होगा मैक्सम ये करने में दो क्वेश्चन आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू मतलब कि बस कर, मैं जल्दी से करके एंड टाइम बचाना है And क्यों टाइम बचाना है सर बिकॉज दैट टाइम यू इन्वेस्ट इन करंट अफेयर्स ओके करंट अफेयर में आपको सोचना पड़ता है थोड़ा वहां पर एकदम जाके आप नहीं लिख सकते हो कि आपने जो किया अगर आ गया वेल एंड गुड आपका लक अच्छा है बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है एंड दिस वन जस्ट कॉपी पेस्ट वट एवर यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड फॉर कॉपी पेस्टिंग एंड गेटिंग गुड मार्क्स बहुत ज्यादा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि सपोज ये नहीं कि आपने मॉरियन आपको पता है आपने रट लिया आपने एक बार भी आंसर नहीं लिखा पे और वहां जाके आप अच्छा आंसर लिख दोगे नॉट पॉसिबल इट मे बी पॉसिबल फॉर दोज आर वेरी ब्रिलियंट बट जनरली नॉट पॉसिबल सो अल्टीमेटली अगर आपको आंसर लिखना है घर बैठ के टाइम फ्रेम पे या टेस्ट सीरीज जहां भी हो आप किसी भी कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो पर्सनल मेंटरशिप किसी से ले रहे हो जहां भी आपके घर में कोई सिलेक्टेड है आपके फ्रेंड्स कोई सिलेक्टेड है पियर ग्रुप में आप लोग आंसर्स लिखो और चेक करवाओ ठीक है अपने आंसर हमें बहुत अच्छे लगते हैं दैट इज ह्यूमन नेचर वट एवर यूल राइट यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट आंसर बट ऐसा नहीं है इट शुड प्लीज द एग्जामिनर तो जीएस वन में मैक्सिमम चीजें जो थी मैंने बता दी नाउ कमिंग टू जीएस टू जीएस टू का सिलेबस अगर आप लोग देखें वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ठीक है सबसे पहला रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी इन पेपर टू द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार सो जीएस टू हैज थ्री पार्ट पॉलिटी ठीक है In the part pertaining to Indian economy and geography of India questions will be put on planning in India and the physical economic and social geography of India and Bihar In the third part relating to the role and impact of science and technology in development of India questions will be asked to test the candidates awareness of the role and impact of science and technology in India and Bihar Emphasis will be on applied aspects the last one Emphasis will be on applied aspects. ये क्यों लिखा इन्होंने ताकि आप थ्योरिटिकल चीजों के पीछे ना भागे परेशान ना हो कि फ्यूजन रियाक्शन कैसे होता है फ्यूजन कैसे होता है ठीक है क्रोमोजोल एबरेशन कैसे होता है इन सब चीजों पर फोकस नहीं करना है एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी में समाज में क्यों जरूरत है साइंस की इस पर फोकस करना है सो थ्री थिंग्स प्लॉलिटी देन यू हैव इकॉनमी एंड जोग्राफी

क्योंकि पॉलिटी में हम लोग रटने लगते हैं ठीक है इमरजेंसी आर्टिकल 352 रटे जा रहे हैं प्रेसिडेंट रूल 356, ठीक है ऑर्डिनेंस एनी एनीथिंग हम लोग रटे जा रहे हैं आर्टिकल 75, 78, 76, अटॉर्नी जनरल सब कुछ रटे जा रहे हैं हम लोग एवरीथिंग आर्टिकल वन भारत दैट इज इंडिया सब कुछ रट रहे हैं हम लोग वी डोंट एनालाइज हम पेपर पढ़ते हैं हमें लगता है गवर्नर का कुछ है उसमें हम लोग अंडरलाइन करते हैं पूरी पेपर अंडरलाइन करते हैं लोग मैंने देखा है आप कितना मतलब पूरा अगर पेपर ही अंडरलाइन करो तो वही आपका नोट्स हो गया सो फॉर एवरीथिंग अगेन इसमें भी करंट अफेयर्स टाइप की नोट्स बनेगा सपोज इन पॉलिटी अगर पॉलिटी का देखें तो कुछ टॉपिक्स हैं थीम्स कह लो टॉपिक्स नहीं कहूंगा थीम्स कह सकते हैं आप क्या आप सोच सकते हो प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ आ जाएगा डिटेल में बल में जितने भी एडजेक्टिव्स लगे हैं सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भी उस पर क्वेश्चन बन सकता है अच्छा सा ठीक है आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी सिटीजनशिप न्यूज में था बहुत ज्यादा एनआरसी एंड ऑल एक थीम बन सकता है देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फ्टर दैट स्टैचरी बॉडीज ठीक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज ठीक है मेनी इश्यूज नीति आयोग सवाल बन सकता है इसके परफॉर्मेंस पे काफी टाइम हो गया इनको बने हुए की एक पॉलिसी थिंक टैंक है क्या रेलिवेंट है प्लानिंग कमीशन के टाइम पे कुछ और होता था अभी नीति आयोग है एनडीसी नहीं है जो भी देन कमिटीज एस्टिमेट्स कमिटी पब्लिक अकाउंट कमेटी एक सौ साल हो गया इसको सवाल बनता है ठीक है आफ्टर दैट वॉट मेनी थीम्स जुडिशियरी इज ए थीम वेरी इंपॉर्टेंट थीम ठीक है गवर्नर मैंने बताया था आफ्टर दैट इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट थीम डिफेक्शन आप कुछ मत करिए लक्ष्मीकांत में इंडेक्स खोलिए ठीक है प्रीफेस के बाद टॉपिक्स देखिए आप खुद आपको लगे कि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है प्रेशर ग्रुप्स पढ़ सकते हैं हम लोग प्रेशर ग्रुप्स ठीक है बहुत सारी बॉडीज है सी आई सी सी बी आई सी सी लोकपाल Of अब, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब दो क्वेश्चन काफी स्टैटिक रहते हैं करंट से कोई लेना देना नहीं है उनका ठीक है एकदम स्टैटिक क्वेश्चन रहेगा थोड़ा बहुत आप करेंट अगर चाहो तो क्वेश्चन का आंसर अच्छा बनाने के लिए दे सकते हो बट करंट पे सेंटर्ड नहीं रहता एकदम स्टैटिक सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एंड टू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स सो जितने भी टॉपिक्स आप समझ लो 25 30 टॉपिक्स पॉलिटी में आराम से आप कर सकते हो नॉट अ बिग डील ठीक है इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे आपको डिफेक्शन में डिफेक्शन एक मुद्दा है इलेक्शन में फ्रीबीज है ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स है एंड ऑल दैट तो इसमें आपको हर टॉपिक पे

कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि मुझे तो यही करना है एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पता है कि आपने पांचों टॉपिक्स अच्छे से किया है एंड आउट ऑफ दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तीन में मेरे पास ज्यादा फॉर्डर है एंड फ्रॉम दैट यू विल स्टार्ट आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कमिटीज के नाम है रिपोर्ट्स हैं आर्टिकल्स आपको याद है कुछ करंट में हुआ है उसको आप इंट्रो में लिख सकते हो देन जस्ट इमेजिन कि आपका आंसर कितना आउटस्टैंड करेगा बाकी आंसर है और वहीं पे आप स्कोर लाएंगे जीएसटू का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम टेलिंग यू जीएसटू में कुछ लोग बहुत कम ले आते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा ले आते हैं मैंने सौ से कम भी देखा है लोगों को लाते हुए जीएसटू में ठीक है तो ये हो गया आपका पॉलिटी डोंट रन बिहाइंड स्मॉल टॉपिक्स पॉलिटी में कुछ छोटा सा कहीं हुआ उसके पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना है दिल आज क्यों मतलब मुद्दा ही पूछते हैं कुछ बड़ा पूछते हैं सपोज लेट सी की उन्होंने क्या पूछा है पीछे कुछ सालों में टॉपिक से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं वो लोग लास्ट वन सिक्सटी सिक्स उसमें उन्होंने क्या क्या पूछा है सबसे पहले रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया सिंपल ये थीम है पूरा सेंटेंस में नहीं पढ़ रहा हूं प्रेसिडेंट उनका थीम था सेकेंड फेडरलिज्म उनका थीम था ठीक है फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट अन इवेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है चौथा था पार्लियामेंट सब इंपॉर्टेंट और बड़े थीम्स है ठीक है इसमें ऐसा कुछ भी छोटा सा नहीं था और इसमें ना आपको ऐसा नहीं है कि आ, कुछ भी आइडिया नहीं हो ऐसे टॉपिक्स पूछेंगे आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा आपने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है रोल ऑफ प्रेसिडेंट आपने पढ़ा है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं एंड इवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स ठीक है लेकिन अंतर कहा जाता है आपने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा आपने बहुत जनरलाइज तरीके में आपको पता है एंड आपको चार पांच पेज के आंसर अपने लिख पाएंगे Be writing randomly, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहेगा एंड एग्जाम आपके कॉपी में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ही ऑल्सो थिंक चलो आपने जैसे तैसे बस पेज भरे नॉट गेट मार्क्स सो कोई भी टॉपिक है वो आपको जरूरी नहीं है कि आपने कहीं पढ़ा है एंड कहीं भी आपको स्पून फिट किया गया टेस्ट सीरीज या कोचिंग में एग्जैक्ट एज इट इज आ जाए इट इज इट हैज वेरी लेस चांसेस ऐसा बहुत कम हो, होने की संभावना होती है कोई भी टॉपिक में आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा टेक टू थ्री सोर्सेज एंड बहुत ज्यादा न्यूज के पीछे मत भागी मंथली कंपाइलेशन आता है बहुत सारे अच्छे मंथली कंपाइलेशन कहीं से भी वो टॉपिक उठा लीजिए जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट लीव दैट बार बार उसको नहीं पढ़ना है एग्जाम सपोज आप जीएस वन दे के आओगे ठीक है नेक्स्ट डे जीएस टू रहा आप ऑलरेडी ड्रेन आउट रहेंगे लैंग्वेज का पेपर दे दिया आपने जीएस वन में इतना लिख के आओगे ठीक है बहुत लोगों का तो हाथ दर्द भी होने लगता है पेपर लिखने के बाद एंड आपके दिमाग में टेंशन रहेगा कि मुझे ऑप्शन पूरा रिवाइज करना है मैंने जीएस के चक्कर में ऑप्शन सही से रिवाइज नहीं किया ऑप्शन का टेंशन बहुत बुरा रहता है ठीक है एंड ऑप्शन के जस्ट पहले एक जीएस टू भी है वेरी डायनामिक करंट में क्या पूछ लेंगे पता नहीं एंड उस टाइम दो तो केसेस हैं आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं हर टॉपिक पे ठीक है बहुत सारे पेजेस हैं आपको रिवाइज करना है आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे पेजेस रिवाइज करने का टाइम आपके पास उस दिन रहेगा बिकॉज स्लीप इज स्लीपो इंपॉर्टेंट अगर आप सोएंगे नहीं ठीक से कम से कम तीन चार घंटे मिनिमम तो आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे ठीक है हैंड आई का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ब्रेन का कोऑर्डिनेशन यू विल फील ड्राउज आप कितना भी चॉकलेट्स खा ले एंड ऑल दैट रेड बुल एंड ऑल जो भी बहुत लोग बताते रहते हैं ज्ञान देते रहते हैं कि एग्जाम के दिन ये कर लो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट सोना बहुत जरूरी है उस दिन नहीं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे so उठाइए और उस पर थ्री सिक्सटी डिग्री नोट्स बना के रख लीजिए ठीक है क्लास आप कर रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं बहुत सारा नोट्स हो जाता है आपके पास एवरीथिंग उसको कंप्रेस करिए मैक्सिमम मुझे लगता है कि आप चार जगह कोचिंग पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता आप कहीं से कुछ कर रहे हो लगभग जुडिशरी कोई रिपीटिंग दैट तो और इंपॉर्टेंट कि वो देख करके आंसर का ढांचा जिसको आप बोलते हैं वो तैयार हो जाए आपका वहां पे एंड यू फिल इन बाकी सब आप भर दो फ्लैश भर दो उस पे, काफी अच्छा से एक आंसर हो जाएगा तो दिस इज फॉर पॉलिटी ठीक है एग्जाम के एक दिन पहले बहुत अराउंड मुझे लगता है कितना थर्टी टॉपिक्स थर्टी थर्टी फाइव टॉपिक्स बहुत है थर्टी मैंने बहुत बोल दिया उतना ही रिवाइज करने में हालत खराब हो जाएगी सपोज एक टॉपिक को रिवाइज करने में पांच दस मिनट लगता है ठीक है एंड थर्टी टॉपिक्स थ्री हंड्रेड मिनट्स दैट कम्स टू फाइव आवर्स फाइव आवर्स ऑफ फुल कॉन्सेंट्रेशन पांच घंटे में आप रिवाइज करोगे दैट्स इट दो बार रिवाइज करना चाहो तो सेकंड रिवीजन आपका ढाई घंटे में हो जाएगा पांच मिनट में टॉपिक कर लेना क्योंकि जस्ट आपने करा हुआ है है ठीक सपोज सुबह आपका एग्जाम है आई डोंट नो कितने दस ब, कितने बजे बजे चालू होता लेट से दस बजे चालू होता है ठीक है।, है पेपर सो so, सुबह आप उठ गए एंड वन फाइनल रिविजन पूरा जीएसटू का थ्री आवर्स सिक्स टू नाइन एंड जस्ट इमेजिन कि कितने कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप आपका बहुत ज्यादा नोट्स रहेगा आप रात भर से लेकर के सुबह तक बैठ के रिवाइज करते रहो आपने आपका नींद नहीं पूरा हुआ ठीक है सो नहीं रहे हो आप एंड दिस थ्री आवर्स की आपने जीएस वन दे के आया आप थोड़ा सा आपने रेस्ट किया ठीक है सोना नहीं है पेपर दे के आके सोना नहीं है क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो फिर रात को नींद ऐसी नहीं आएगी ठीक है थके रहोगे तो हो सकता है नींद आ जाए सो so थोड़ा रिलैक्स वैलैक्स करके आपने एक पांच छह घंटे में एक बार रिवाइज किया ठीक है एंड आफ्टर दैट आपने कोशिश किया कि चलो सो जाते थोड़ा एंड जल्दी उठ के या जब भी छह बजे पांच बजे जब भी उठ रहे हो एग्जाम के टाइम पे नींद थोड़ा बहुत भी आ जाए तो ठीक है ठीक है आइडियली ये नहीं कि आठ घंटे सो रहे एग्जाम के पहले दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई करता आता भी नहीं नींद सीरियस कैंडिडेट्स को एंड सुबह पेपर देने के जस्ट पहले तीन घंटे आप सुबह उठ के बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में रिवाइज कर रहे हैं जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स जो है क्रिस्प और कम बनाना है एंड ट्राई टू कवर डायमेंशन जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे वहां पर आप लिख लोगे सेंटेंसेज डोंट राइट सेंटेंसेज इन योर नोट्स ये हो गया टी का आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक प्लानिंग एंड जोग्राफी वन मोर थिंग जो हम लोग भूल जाते हैं लाइक इन पॉलिटी ऑल्सो एवरी टॉपिक ट्राई टू हैव सम कंटेंट रिलेटेड टू बिहार डिफेक्शन बिहार में हुआ क्या कब कब हुआ क्या हुआ प्रेसिडेंट रूल जुडिशरी ने बिहार से कुछ कहा क्या बिहार में कुछ स्पेशल uh, लेजिस्लेशंस ठीक है जैसे मदि निषेध का है एवरीथिंग मतलब तो हर वो टॉपिक जो आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं ट्राई टू रिलेट दैट विद बिहार एंड हैव सम फॉरदर सपोज आप आंसर को फिनिश कर रहे हैं आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है एंड लास्ट का एक पैराग्राफ कंक्लूजन के पहले या समथिंग वहां पे आपने बिहार वाला एंगल एक दे दिया ठीक है जस्ट इमेजिन आप यू स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम बाकी लोग जो भी लिख रहे हैं उससे आपका आंसर काफी अलग होगा एग्जाम्पल विल सी कि देखो इनको कितना ज्यादा इनका इंसाइट्स है ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट स्टेट, ठीक है एंड दैट विल फेच यू गुड मार्क्स नॉ कमिंग टू इकोनॉमी एंड जोग्रफी वन थिंग आई एव सीन रिपोर्ट पूछ रहे हैं लोग इसमें डेवलपमेंट यूएन के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं ठीक है और हमारा जो सर्वे है बजट है ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो उस पर आप सिंगल पेज नोट्स बना के रख लीजिएगा इकोनॉमिक प्लानिंग पे ठीक है जो जो मेन मुद्दे होते हैं जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है ठीक है एंड एक टाइम पे मुझे लगता है शायद डिमोनिटेशन पे भी क्वेश्चन आया था सो so, जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे पूरे साल में चल रहे हैं उस पर आपको क्वेश्चन बनाना होगा जैसे हमारा एफ पे आप बना सकते हैं ठीक है स रिजर्व बना सकते हैं कि डिप्लीट हो रहा है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है रिलेशन टू द यूएस इकॉनमी फेडरल रिजर्व अपने रेट्स हाइक कर रहे हैं ठीक है तो फॉरिन इन्वेस्टमेंट जा रहा है हमारा मतलब जो कुछ भी है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूं आपको एवरीडे यू ऑल आर सीरियस कैंडिडेट आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं आपको पता है बस इट इज जस्ट दैट कि आप रियलाइज नहीं कर पा रहे कि क्या कलेक्ट करना है और क्या नहीं कलेक्ट करना है एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें आपको सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करना होगा स्पेशली बिहार के सो यू कैन नॉट ओनली से कि इकॉनॉमी और ज्योग्राफी दोनों आइसोलेशन में है बेटर से इट इकोनॉमिक जोग्राफी ठीक है तो पेपर टू का जो सेकंड पार्ट है ना ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वेग है क्योंकि पॉलिटी में क्या है कि दो क्वेश्चन तो स्टैटिक आते हैं पॉलिटी इज एवरी वन इंटरेस्ट जो कोई भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की पॉलिटी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यहां पे मार्क्स नहीं आता ये जो सेक्शन टू है इकोनमी और जॉग्राफी फ्यू क्वेश्चन जस्ट टेलिंग यू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार ये इनका थीम था ठीक है उसके बाद डिस्पैरिटी सोशल एंड इकोनमिक इन बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है यू एन एफ पी ए रिपोर्ट डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है ये था सिक्सटी सिक्स का नाउ सिक्सटी फिफ्थ का हम लोग देखते हैं वी आर डिस्कसिंग पेपर टू सेक्शन टू वेट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिंस नाइनटी वन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम एग्रीकल्चर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर सकते हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, जीएनपी इन्फ्लेशन बैंकिंग बहुत सारे टॉपिक्स हैं विल ट्राई टू आई विल ट्राई टू शेयर ठीक है एज सुन एज पॉसिबल इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा अगेन आफ्टर 1991 एग्रीकल्चर भी इन्होंने पूछा था आफ्टर दैट द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बहुत ज्यादा न्यूज में था हाउ कैन यू मिस दिस एमएसएमई तो ये उस टाइम पे रेलेवेंट था बहुत ज्यादा क्योंकि न्यूज में था अभी जो न्यूज में है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे देन इन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार अ वेरी जनरल टॉपिक बट इस पर आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो एवरी टाइम रेलिवेंट अभी भी ये क्वेश्चन पूछेंगे ना अगर ये लोग तो दैट इज रेलिवेंट नाउल्सो ठीक है कुछ और बाकी साल के हम लोग देख सकते हैं ड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ठीक है फूड सिक्योरिटी से याद है आप फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का फूड प्रोसेसिंग फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रोल ऑफ डब्ल्यू टी ओ वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यू टी ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का आप एक थीम ही बना लीजिएगा ठीक है पूरा हिस्ट्री क्या अचीवमेंट है अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चैक्ट इन इंडिया ये भी डेमोग्राफी से रिलेटेड है एक दो साल के क्वेश्चन और देख लेते हैं तो हम लोग को थीम थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है वेग नहीं रहेगा हमारा तैयारी मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है सिक्सटी थर्ड वाला एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ठीक है पॉवर्टी अपने आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट है वैसे पॉवर्टी है ये भी एक थीम है हमारा सारे मेजर थीम्स इन्होंने पूछा है कुछ भी नया नहीं है रीजन वाई इंडिया मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन हैोग्राफिकल एरियाज इन सम स्पेशल एरियाज कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए बेसिकली क्या आपको कैपिटल चाहिए होता है रॉ मटेरियल चाहिए होता है मार्केट चाहिए होता है कनेक्टिविटी चाहिए होता है एंड गवर्नमेंट सपोर्ट रफली मैं बता रहा हूं ठीक है सो so, उसी पे आंसर आपको लिखना था अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया था दिस वॉज अ वेरी गुड आंसर ठीक है मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था स्कोर करने के लिए देन यू हैव मेजर मिनरल्स नोन इन इंडिया मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू का डब्बा एंड ऑल दैट ठीक है वन मोर वील सी एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी Then they have asked about growth and productivity trends of agriculture. Again, agriculture. See, very important agriculture. Decentralized planning, panchayat system, public goods and subsidy. Yeah, subsidies is also a very important topic. Subsidy, fertilizer, petroleum subsidy, and one more, last one we'll see. Fifty-six to fifty-nine, wala. ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट डिस्क्राइब एग्रीक मार्केटिंग मैंने बताया था फूड प्रोसेसिंग के बाद फूड प्रोसेसिंग के बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेशनशिप बिटवी एनवायरमेंटलेंट ठीक है इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है अराउंड फिफ्टीन थीम्स मुझे पंद्रह बीस थीम्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करना है अच्छे से ठीक है अपना एक नोट्स बना लेना डिसेंट एनफ क्योंकि इसमें यू के नॉट अ वेरी यू के नॉट हैव द बेस्ट आंसर ऑलवेज ठीक है बट डिसेंट एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं इसमें ऑलवेज यूज डेटा ऑफ यू एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारा बिहार सरकार ठीक है डेटा आपको यूज करना है यूज पाई चार्ट ओके लाइक दिस सपोज एनर्जी का एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी तक याद है मैंने उसमें पाई चार्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक है एनर्जी का क्या है रिन्यूएबल उसमें क्या है कितना कोल का है और ये देन यू कैन यूज ग्राफ्स आल्सो ठीक है यू कैन राइट टेबल मतलब आपके आंसर को बहुत प्रेजेंटेबल बनाएगा ये अगर आप ये सब यूज करे वा आप पांच छह पेज लिखते जाइए अट्रैक्टिव तो नहीं होगा उतना यू मे बी नंबर आ जाए बट उतना अट्रैक्टिव जनरली नहीं होगा दिस इज सेक्शन टू नाउ यू हैव सेक्शन थ्री सेक्शन टू में मैंने बोला कि इकोनॉमिक जोग्राफी कंसिडर करके इसको करना है ठीक है डेवलपमेंट इकोनॉमी सोशल ये तीन चीज को आपको इंटीग्रेट करके नोट्स बनाना है चूज योर टॉपिक्स वेरी वाइजली एंड उस पर आप बना के रेडी रखो आप देखो कुछ भी ऐसा नया कोई बहुत बड़ा टॉपिक कुछ दिया ही नहीं था इसमें सारे कुछ हमें पता है इनफैक्ट अभी भी मैं आपसे बात करूं आप दस मिनट बात कर सकते हो इससे किसी किसी से भी लेकिन एक स्पेसिफिक आंसर जो चार पांच पेजेस का आपको लिखना होगा वो आप नहीं बता पाओगे बिकॉज चैनलाइज नहीं है आपका जो भी सोर्स है आप बस रैंडम बोलोगे एक स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास वो चाहिए वो कब आएगा जब आपके पास नोट्स है नोट्स भी आप ऐसे स्ट्रक्चर में बनाओगे ना वही उसी को आप फिलअप करोगे एग्जाम में ठीक है तो मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली नो सेक्शन थ्री में कुछ टॉपिक्स हम लोग करते हैं साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ये 56 से 59 वाला मैं देख रहा हूं फ्रेश वाटर रिसोर्सेस ठीक है वाटर से रिलेटेड वाटर एक थीम हो गया हमारा एनर्जी डिमांड एनर्जी एक थीम हो गया ठीक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मतलब अगर अच्छे से प्रिपेयर किया आपने ठीक है आप बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हो उस पर क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर ओके नवामी गंगे नॉल देन यू हैव Uh, साठ से बासठ वाले पेपर में है पॉल्यूशन ऑलवेज रेलिवेंट डीड नॉट टेल यू पॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप्स है एयर है वॉटर है नॉइज पॉल्यूशन है ठीक है अगेन एनर्जी नीड्स सेम थीम अचीवमेंट्स ऑफ इजरो सो आप दो थीम्स बना लो स्पेस डिफेंस ऑलवेज रेलिवेंट नैनो नैनोटेक, बायोटेक ठीक है ये चार पांच थीम्स हमेशा रेलिवेंट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सुपर कंप्यूटर्स ठीक है क्वांटम कंप्यूटर्स हर कुछ रेलिवेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम देन वील मूव ऑन टू सिक्सटी थर्ड आई एम जस्ट राइटिंग द टॉपिक्स ताकि हमें आइडिया लग पाए कि करना क्या है न्यूक्लियर एनर्जी यस आई मिस्ड इट हेयर न्यूक्लियर सी हर एक थीम पे उन्होंने सवाल पूछा है नेक्स्ट वन इज स्पेस मैंने बोला ना इसरो एक छोटा सा उसमें टॉपिक है स्पेस पे आप पूरा कर सकते हो स्पेस पूछा उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ठीक है क्यों इतना ज्यादा टैलेंट का माइग्रेशन हो रहा है इंडिया से क्यों सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज में ही हब है बिहार में सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज आप लिख लो एक बड़ा टॉपिक है इसमें सारा कुछ आप कर सकते हो क्लाइमेट चेंज में ठीक है लैंड डिग्रेडेशन ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट ओजोन होल देन मूविंग ऑन टू सिक्सटी फोर्थ वाटर शॉर्टेज अगेन वाटर इज ए थीम कनेक्टिंग रिवर्स वाटर वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एनर्जी में आ गया स्मार्ट सिटीज उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में था तो स्मार्ट सिटीज पॉपुलेशन एंड नॉन प्लानिंग गार्बेज जनरेशन वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेस्ट बायोमेडिकल म्यूनिसिपल वेस्ट हाउस होल्ड वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट हर किसी पे आप नोट्स बना सकते हैं then we have the 65th hmm. make in India ठीक है news में था काफी health risk health भी आप relate कर सकते हो biotech से nanotech से ya covid के बाद बहुत ज्यादा relevant हो गया then health का हम लोग एक अलग कर लेंगे हेल्थ में हर एंगल कवर करना चाहेंगे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ठीक है एडवांस हेल्थ में भी इंश्योरेंस से भी कवर करेंगे इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है इंश्योरेंस पेरेंटेशन क्या होता है वैक्सीनेशन ठीक है प्रिवेंटिव मेडिसिन क्यूरेटिव क्या होता है पैलिएटिव क्या होता है एक हेल्थ पे पूरा आप थ्री सिक्सटी डिग्री बना लो कोई भी क्वेश्चन पूछे यू विल बी राइटिंग अ वेरी गुड आंसर कोई भी टॉपिक रहता है ना उस पर आप पहले डायमेंशन सोचिए ये नहीं कि बस वैक्सीन आया हो तो बस वैक्सीन पे ही हम लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन में यहाँ क्या हुआ और ट्रेनिंग हेल्थ एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है उसमें आप डायमेंशन सोचिए आप क्या कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ ठीक है सेकेंडरी टर्शरी अब लोग बहुत ज्यादा ऑपरेशन में क्यों खर्चा होता है क्योंकि हम लोग डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं। तो कहां हमें इन्वेस्ट करना है प्राइमरी में अगर शुरू में ही वो डायग्नोज हो जाता अच्छे से तो फिर इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हेल्थ में आता है सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहां होता है बिहार में देन यू हैव क्वैक्स जिसे हम लोग झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है तो ये सारा प्रॉब्लम्स है हेल्थ में आप एक हेल्थ एक बड़ा सा कर लो उसमें सारा कुछ आ जाएगा देन नेचुरल डिजास्टर्स फ्लड ड्रॉट्स ओके डिजास्टर भी आप कर लो डाई फ्रेमबोक और सब कुछ आप लिख ले रहे हैं एक पेज में आ जाएगा ये पूरा जॉब क्राइसिस एम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन वील डू देन विल रैपिट अप कोविड कोविड नाइन्टीन बोलने की जरूरत ही नहीं है कोविड नाइन्टीन एक बहुत बड़ा मुद्दा था स्पेस रिसर्च ठीक है सर्च ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट हमारा जो भी मिशन था मार्स वाला और जो भी वो आप कर सकते हो मंगलयान एंड ऑल दैट डिफेंस सिस्टम उस पर जो भी था डिफेंस हमारा एक टॉपिक है ही फ्लड्स एंड ड्रॉट्स

स्पेस नैनो ऑल दिस थिंग्स और भी टॉपिक्स होंगे जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है देर मेनी टॉपिक्स यू नीड टू डाउन ऑल द टॉपिक्स एंड ऑन एवरी टॉपिक यू शुड हैव डेटा ठीक है दुनिया में क्या चल रहा है हमारे यहाँ क्या चल रहा है साइंस में आई एम रिमूविंग दिस साइंस में क्या है मार्केट इंडस्ट्री िसर्च अकेडमिक्स एम आई आर ए यह हमेशा आप याद रखिएगा ट्राई टू अटेम्प द क्वेश्चन लाइक दिस ओनली कि मार्केट में क्या डिमांड है ठीक है क्या वो डिमांड इंडस्ट्री फुलफिल कर, कर पा रही है या हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी वॉट ठीक है क्या वो फुलफिल कर पा रही है या हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या हम जो प्रोड्यूस करें क्या वो रेलिवेंट है फ्यूचर के लिए रिसर्च हमारा रिसर्च में कितना जा रहा है आर एंडी परसेंटेज ऑफ जी रिसर्च का स्टेटस क्या है रिसर्च में सेक्स रेशियो क्या है वोमेन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा ठीक है क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है कितने पेपर्स पब्लिश होते हैं एंड एकेडमिक्स क्या एकेडमिक से लोग रिसर्च में आना चाह रहे हैं या फिर ये बाहर चले जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज यूएस एंड ऑल दैट चाइना ये चारों चीजों को जब आप लिंक करिएगा ना साइंस के किसी भी क्वेश्चन पे देन यू सी योर आंसर पार अपार्ट फ्रॉम बाकी लोग जो लिखेंगे नॉर्मल क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं ठीक है देन ऑल दिस थिंग्स ट्राई टू हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पहले से सोच सोच के रखना है कि अगर कुछ भी आएगा इसी तरह का मेरा अप्रोच रहेगा वहां जाके सोच के समय नहीं बर्बाद करना है वहां जाके बस डेटा याद करना और लिख देना है ढांचा पहले से रेडी होना चाहिए ठीक है नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स जी एस वन जी एस टू जितना मुझे पता था मैंने शेयर कर दिया एंड एंड आई 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 कीप शेयरिंग जो भी हो ठीक है <coughs> जल्दी मेक मेक अ अ वीडियो वीडियो ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर मैथ्स ऑल तो जितना कुछ मुझे पता था मैंने आपको बता दिया आई होप कि ये लास्ट का जो टाइम है ठीक है एंड डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि चलो अभी इतना टाइम है विल डू प्रिलिम्स का रिजल्ट आएगा तब प्रम्स का रिजल्ट जब आएगा एंड इफ यू एट द बॉर्डर एंड आपका सिलेक्शन हो गया देन पैनिक, ऑप्शन भी तो करना है ऑप्शन तो ही नहीं किया ऑप्शन सबका अलग अलग है आपका हो सकता है ऑप्शन वीक पॉइंट हो पॉजिटिव पॉइंट हो बट 600 मार्क्स जीएस ऑप्शन, 300 मार्क्स ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जीएस को जितना जल्दी आप खत्म करेंगे खास करके जीएस वन विच कैन बी कंप्लीटेड प्रायर टू जीएस टू बिकॉज जीएस टू इज अर्ज हैज वेरी लार्ज एरिया ऑफ कवरेज सो जीएस वन आप जितने जल्दी खत्म करेंगे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहेगा मोर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेस स्ट्रेस एंड बेटर परफॉर्मेंस यही है सो आई टेल यू ऑल की जो भी नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का यू ज्वाइन दैट यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनली एंड ट्राई टू यूटिलाइज दैट एंड योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज विच यू हैव एंड गेट अ वेरी जिस्ट ऑफ दैट बहुत अच्छा सा एक नोट बनाइए स्टिक टू दैट And write answers and keep working. That's all, okay? So, thank you.